ये कहा जा सकता है इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद रैंकिंग एज द फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली. सो विद हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म इन द वर्ल्ड आर इंडस्ट्री स्टैंड एज अ बीकन ऑफ इनोवेशन क्रिएटिविटी रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड नाउ कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज रीचिंग एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ये कहा जा सकता है इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद रैंकिंग एज द फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली एंड दिस मार्केट इज ग्रोइंग विद ईच पासिंग ईयर. इफ यू लुक एट द एवरेज ग्रोथ ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स इट इज स्टैंड एट एवरेज ग्रोथ ऑफ 20% एनुअली. सो विद हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म इन द वर्ल्ड आर इंडस्ट्री स्टैंड एज अ बीकन ऑफ इनोवेशन क्रिएटिविटी रीचिंग एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड नाउ कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज रीचिंग एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. देयर इज नथिंग रीजनल टूडे. इफ योर कॉन्टेंट हैज द पावर इट कैन क्विकली बिकम फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल. वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स रिसेंटली how our films have done extremely well. Now when we talk about the international platform, after the great success of G20 presidency, where India's theme was Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, to main keh sakta hu ki hamare 54ve IFFI mein bhi usi disha mein ek kadam hai जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है. अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर इफी का नाम भी बहुत बड़ा है. साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में. फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है. वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं. अ टोटल ऑफ 32 एंट्रीज अक्रॉस 10 लैंग्वेजेस फ्रॉम 15 OTT प्लेटफॉर्म्स हैव इट फॉर दिस ऑनर and the winners will be given 10 lakh rupees. to 10 lakh rupaye inaam bhi milega. isi tarah se hamara jo prestigious golden peacock award hai usme 15 filmein is competition mein bhag le rahi hain aur isme bahut ek aisa competition hota hai ki lagta hai ki isko award dein ki usko award dein. bahut मुश्किल होता है चुनना भी. बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है. तो यहां पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है बेस्ट फिल्म अवार्ड है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा. एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. एवीजीसी सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत में दोनों फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन पोस्ट प्रोडक्शन हो या कंटेंट नया बनाने की बात हो सब भारत में बहुत एक बहुत बड़ा व्यापार यहां पर आता है. अब एक्सपेंशन हमने एनिमेशन सेक्शन का भी किया है और इसमें भारत और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा जहां पे पोलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री द पेजेंट्स इसको भी इसमें अवसर मिलेगा. युवाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए. प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां देश में स्टार्टअप्स को बल दिया है और भारत के युवाओं ने थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का आज भारत में खड़ा किया तो फिल्म जगत में हमारे युवा पीछे ना रहें तो देश के छोटे से छोटे गांव में भी अगर अच्छा कोई कॉन्टेंट क्रिएटर है कोई अच्छा राइटर है कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे आना चाहता है कोई लिरिसिस्ट है इन सबको अवसर मिले
तो उसके लिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव पे 75 युवाओं को, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उनको चुनने की शुरुआत की थी। पहले दो वर्षों में 150 लोग चुने गए, सैकड़ों इसमें एंट्रीज आती हैं। इस साल भी 600 से ज्यादा एंट्रीज हैं, उनमें से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। तो इस साल तक कुल मिलाकर 225 ऐसे युवा हमारे पास हो जाएंगे जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी।